अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहान अशरफ और आज हम आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीलॉग देने वाले हैं जिसमें मॉडल है सिंगर का मैरिड, सिंगर का मैरिड मॉडल है, मॉडल नंबर है PAL पाल SD500। इस मशीन के बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। इस फीचर्स में आप देखें कि इसमें सिलाई है, 1, 2, 3 पर सिलाई है, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 ये आपके zigzag रफू वगैरह का ऑप्शन है। आपके डिज़ाइन है, काज है, पीको है, ओवरलॉकिंग कर सकते हैं, इससे आप बैठकर हर काम कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट में मशीन है, 220 डायरेक्ट होगी मशीन, 220 भी आप डायरेक्ट चला सकते हैं। अब इसके फीचर्स की तरफ जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें इसमें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो अब हम आपको इस मशीन के ऑपरेटिंग मैनुअल की तरफ ले जाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये सब प्लग हैं, ये सब प्लग लगेगा, यहाँ पर प्लग लग गया। सिंगर की मशीन है, देखें ओरिजिनल सिंगर है ये, ठीक है, प्लग लग गया, मशीन ऑन हो गई। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, जैसे कि ब्रेकर सिस्टम होता है ना, ऑन ऑफ स्विच होता है, वैसे स्विच दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब आपने मशीन को प्लग इन कर दिया, लेकिन ये ऑफ पे बटन होगा, मशीन आप प्लग करेंगे, चार्ज करेंगे, चलेगी नहीं, या पेडल को मूव करेंगे, चलेगी नहीं मशीन। अब हम इसको लो पे लेके आएंगे, अभी मशीन लो पे चलेगी, स्लो स्पीड पर। अगर आप हाई स्पीड जाएगी मशीन की, फुल हाई स्पीड आ जाएगी मशीन, ठीक है। तो मशीन की लाइफ कहाँ है कि आप जो अगर दरमियान में कहीं लाएंगे तो लो पे बेस्ट स्पीड रहेगी, मशीन की लाइफ अच्छी है। फीचर्स के लिए आपको ये बटन है आपका, ये ऑप्शन सिलेक्टर है आपका, आपको सिलाई पे आना है, आप ये लेके आ जाएं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये आपको सिलाई के फीचर है, 1, 2 और 3 नंबर लिखे हुए आ रहे हैं आपके सामने, सिलाई के फीचर हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, खाली मूव करना है, धागा कैसे डलता है दिखाते हैं आपको। जो कराई इसमें, ये रील लगाई यहाँ पर आपने इसके अंदर, ठीक है, ये स्टॉपर लगा दी ताकि रील अभी गिरी नहीं बार बार। इस धागे को आपने यहाँ से लेना है, इस पॉइंटर से लेके आना है, 2-3 बल दे दिए आपने यहाँ पर और उसको इंसर्ट अंदर कर दिया, दबा दिया अंदर आपने। अब जब मशीन चलाएंगे तो मशीन नहीं चलेगी आपकी, खाली ऑटो बॉबिन वाइंडर चलेगा, ऑटोमेटिक बॉबिन वाइंडर चला, और बॉबिन स्मूथली फिल कर रही है। इसके लिए एहतियात ये है कि आपने धागा जो है ना सही तरह मूव करना है, यहाँ से बिल्कुल एक जैसी बराबर धागा भरेगी मशीन, धागा भर गया आपका, ये आपने बॉबिन निकाली बाहर और धागे को आपने बॉबिन को उसके अंदर ड्रॉप करना है। शटल इसमें लगा हुआ होता है, यहाँ पर आपने उंगली रखी और ये पत्री में से धागा बाहर निकल गया, पत्री देख रहे हैं, अभी पत्ती में से धागा बाहर आएगा, ये देखिए पत्री देख रहे हैं, ये पत्ती से धागा लाजमी बाहर निकालना है। लोग गलती करते हैं, पत्री में धागा नहीं निकालते, इससे सिलाई सही नहीं आती है, तो ये पत्ती में धागा बाहर निकल जाएगा, मशीन परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इस ट्रे को बंद कर देना, ये ट्रे इसकी, ये एक ट्रे है, ये कट दिए हमें, ये बंद हो जाएगी यहाँ से। धागा निकालने के लिए आपने धागे को यहाँ लगाया, तो धागे को पीछे हुक से लेना है आपने, बैक साइड हुक आएगा, ये प्लेटों में जाएगा धागा, प्लेटों के नीचे एरो ऊपर जा रहा है, एरो से ऊपर जाएगा ये धागा, ये एरो से ऊपर आएगा धागा, फिर ये कुंडी में आएगा धागा, लाजमी ये कुंडी में डालना, फिर आप नीचे से इस हुक में लेके जाएँ, दो हुक दिए हैं आपके, और सुई में धागा जाएगा बिल्कुल फ्रंट से, आप जब आप बैठे हैं आपको बिल्कुल सामने धागा जाएगा, सुई के अंदर बैक साइड पर तुम धागे आपने कर दी बैक साइड पर। ये आपने 2 नंबर रखा सिलाई के ऊपर, सिलाई कर रही है, ये रिवर्स है, पुश करेगी, रिवर्स ब्रेक करेगी। सिलाई का टांका अगर ख़राब है तो यहाँ से सेटिंग करने का है, 5 नंबर रखा हमने, सिलाई ऊपर और नीचे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, मैं वो साफ कपड़े भी सिलाई चेक कराता हूँ। ये देखिए सिंपल सा स्टफ लिया हमने, अभी ये लगाया इसे हमने, अभी हम बारीक सिलाई कर रहे हैं एक पे रख के, ये देखें बारीक सिलाई हो गई, बड़ी करनी है आप 2 पे लेके आ जाएँ, बड़ी करेगी सिलाई, इससे बड़ी आपको गारमेंट से टांगा जैसे होता है कड़ा करना है, तो अभी 3 पे लेके आ जाएँ और बड़ी सिलाई करेगी, ये देखिए परफेक्ट रिजल्ट आएगा बिल्कुल। एक बात का ध्यान रखना है कि चलाने वाले पहिए को लाजमी घुमाना है, ये चलाते हैं पहिए को लाजमी घुमाना है ताकि मशीन जाम नहीं हो। वगैरह करनी है तो कपड़े में थोड़ी सी कागज़ या बुकरम डाल दें हार्डनेस के तौर पर, ये हमने लगा दी कपड़ा यहाँ पर, 4 पे रख लें, 3 पे रख लें, धागा सिलाई अच्छी है ज़्यादा अच्छी, ये आप लेके आ गए ज़िगज़ैग के ऑप्शन पर। इसे चौड़ी ज़िगज़ैग करनी है आपको, 6 पे आ जाएँ, इसी 6 नंबर आप पीको भी कर सकते मशीन के अंदर, ये आपकी ज़िगज़ैग हो गई। इसके अलावा कोई सा भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करें, रफू का डिज़ाइन है 7 नंबर पे,
नॉर्मली फटे हुए कपड़े को रफू करते हैं। ये आपका आगे 8 नंबर का डिजाइन फुल ऑटोमेटिक मशीन है, जो नया बेसिक वाला भी जिसने कभी मशीन नहीं चलाई वो भी आराम से चला सकता है मशीन को, ईजी मशीन बिल्कुल। ये देखिए आप सारे ऑप्शन आपके बनते आ रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली, आपने खाली प्रोग्राम पे जाना है, शिफ्ट करना है, वो खुद बहुत मशीन परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा इसमें कांच का ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं भैया, या फिर डिज़ाइन हो गए, अगर आपको कांच करनी है तो कांच इसमें 4 स्टेप कांच होती है, हर मशीन में होती है 4 स्टेप कांच। ये 11, 12 और 13 नंबर कांच क्या है, इसके लिए आपने पहले 12 पे लेके आना है मशीन को, 12 नंबर पे तीन डांगे मारे आपने, फिर इसके लिए आना आपने 11 नंबर पे, मशीन करेगी लंबाई जितना लंबा कांच है ना उतनी लंबी जा रहे हैं मशीन को। फिर आप दोबारा लेके जाएं इसको 12 पे तीन डांगे मारे आप, फिर आप इसको लेके आ जाएं 13 नंबर पे, आइए मशीन बैक जाइए खुद बहुत, जहाँ से इसने कांच शुरू किया वो जाएगी कांच फिनिश कर देगी मशीन, ये काज हो जाएगा इसका ओपनर सुराख हो जाएगा कांच कपड़ों के लिए। पीको करना अगर आपको, इसका बूट पीछे पुश करेगा बटन निकल जाएगा बूट इसका, अब इसमें पीको का बूट लग जाएगा सिंपल बूट है इसका, ये आपने इसको नीचे रखा और बूट नीचे करेंगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा बूट, ये लॉक हो गया, पिन और खांचा मिलेगा बूट के जगह, खांचा है ना बूट का पिन है ये, पिन और खांचा मिलेगा बूट लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये दो धागे आपने कट से निकाल देने बाहर, दो धागे कट से बाहर निकाल दिया आपने सिंपल, आपने इसको लेके आना नंबर 5 पे, ऑप्शन नंबर 5 पे लेके आना है, ऑप्शन नंबर 6 पे ले जाना भैया, सॉरी 6 पे लेके आना ऑप्शन नंबर पे। आप पीको कर सकते हैं दुपट्टे वगैरह की, या आपने पीको के लिए कपड़ा लगाया सिंपल सा, कपड़े वैसे फोल्ड करना है आपने, मशीन से बहुत पीको बना दी जाएगी। बाकी इसमें ऑयलिंग वगैरह का तरीका ये कि आपने शटल के अंदर ऑयलिंग करते रहनी है, ये ट्रे हटाएगी ना, ये ट्रे हटाने का तरीका बिल्कुल ईजी है, आपने एरो बना हुआ है आप इसको यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करके यहाँ उठाएंगे ट्रे आपकी हट जाएगी यहाँ से, ये आपने हटाया ट्रे हट गई अभी, ये इस कॉर्नर पे आपने ऑयलिंग करनी लाजमी, इस कॉर्नर पे ऑयलिंग करते रहनी है ताकि मशीन जाम नहीं हो, मशीन को कोई कहना उल्टा ना चलाएं, जब भी चलाएं आप आगे फ्रंट की तरफ चलाएंगे ताकि मशीन का धागा रिलीज आए, और धागा डालने का डायग्राम देखिए आपको बना हुआ है, धागा आपने बिल्कुल परफेक्ट डालना है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी, मजीद अपडेट के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, इंतजार करना।